बाबा यही नहीं चुप रहे, उन्होंने कहा कि घोटालों से घिरी केंद्र सरकार हमेशा उन्हें निशाने पर लेने के लिए मौका ढूंढती रहती है। ये देश का लोकतंत्र और ये देश किसी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं है कि वो जो चाहेगी वही हिंदुस्तान में होगा। जो कांग्रेस को ना पसंद है वो हिंदुस्तान में ना कोई बोल सकता ना कोई काम कर सकता। विकास के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए शायद ही कोई काम किया हो, भूल चूक से कोई काम हो गया होता। पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिराने के लिए जो परिवार लगा है, अब उसके ऊपर यदि कोई तथ्य तर्क प्रमाणों के साथ प्रहार करता है तो तिलमिला उठते हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब धूमल सरकार के समय में बाबा को बेहद कम दामों में आवंटित की गई जमीन पर आपत्ति जताते हुए इस डील को रद्द कर दिया गया। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि बाबा यहाँ पतंजलि योगपीठ के साथ साथ अन्य कई व्यवसायिक गतिविधियां भी चलाने जा रहे हैं, जबकि उन्हें ये जमीन सिर्फ योग पाठशालाएं चलाने के लिए ही दी गई थी। डील के रद्द होने के बाद तैश में आए बाबा ने कमर कसते हुए सीधा केंद्र सरकार पर चढ़ाई कर दी। अब ये ऊंट किस करोट बैठता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। रमेश अंडा, जी हिमाचल, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के बाद देव के समर्थकों और पुलिस के बीच हल्की फुल्की झड़प भी हुई, पर जल्द ही स्थिति सामान्य होती नजर आई सोलन में, जिसके बाद बरसात के बावजूद भी बाबा के समर्थक और रामदेव भी वहां पहुंचे और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। पारंपरिक रूप से बाबा का स्वागत किया गया, समर्थकों ने बाबा को खुली जीप में स्वागत किया और साधुपुर ले आया गया, पर केंद्र सरकार नहीं चाहती कि आम जनता का भला हो, बाबा का ये इल्जाम है। हमने देश के और प्रदेश के सब लोगों से पूछा, भाई योग का काम होना चाहिए कि नहीं, हिमाचल प्रदेश में साधुपुर में योगपीठ बनना चाहिए कि नहीं, तो हिमाचल की जनता की जो आवाज है अब उसको कोई दबा नहीं सकता। बाकी जो कोर्ट का कार्य है, न्यायालय में न्यायिक जो व्यवस्था है उसमें हमारी आस्था, उसमें जो कानून की लड़ाई कानून के तरीके से लड़ेंगे, लेकिन सड़क के ऊपर सारे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और सोलन के लोगों ने उतर करके बता दिया, ये जता दिया कि वो सब चाहते हैं कि योग का काम, आयुर्वेद का काम, सेवा का काम होना चाहिए। तो विवाद को सियासी रंगत लेते देख अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तैयारियां भी चढ़ने लगी है। हाईकोर्ट ने लीज को रद्द करने संबंधी राज्य को फटकार लगाते हुए कहा कि 4 हफ्तों में इस मामले पर जवाब दिया जाए। हिमाचल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह भी आदेश दिए गए हैं कि अगली सुनवाई तक जमीन पर हुए निर्माण से किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने और किसी दूसरे को अलॉट करने पर रोक लगा दी गई है। बाबा रामदेव के वकील अंशुल बंसल ने सरकार की ओर से पतंजलि योगपीठ की जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने को असंवैधानिक बताया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 अप्रैल को होगी, जिससे पहले सरकार को अपनी जवाब कोर्ट के आगे रखना होगा। तो आज सिर्फ कोर्ट ने नोटिस दिया है और 4 हफ्ते में सरकार की तरफ से जवाब जाएगा और उस जवाब के बाद 2 हफ्ते के बाद वो रिजॉइंडर उसके बाद देंगे और 24 अप्रैल को आगे सुनवाई होगी और सरकार अपने जो डिसीजन था टू टेक पोजेशन वो आज कोर्ट ने इंटरफेरेंस नहीं की है उसमें और एक तरह से हमारे लिए सरकार के लिए ये उपलब्धि है। बढ़िया रिलीफ और बहुत बड़ा रिलीफ हमें हाईकोर्ट से मिला है। सरकार का जो एक्शन था उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को कि आप जवाब फाइल करें 4 हफ्ते में, उसके बाद 2 हफ्ते में हम रिजॉइंडर फाइल करेंगे। साथ में सरकार ने कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि इन द मीन टाइम ना कोई यथास्थिति बनी रहेगी, ना कोई स्ट्रक्चर में चेंज होगा, ना किसी को स्ट्रक्चर तोड़ा जाएगा, ना किसी को ये जमीन फर्दर अलॉट की जाएगी। तो उधर इस मामले पर राजस्व विभाग की रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में। बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ को दी गई 28 एकड़ जमीन की लीज रद्द करने के बाद से विवादों का मौसम शुरू हो गया है। इस बार उंगली उठ रही है राजस्व विभाग पर, जिसकी जमीन से जुड़ी रिपोर्ट में अलग अलग तथ्य सामने आने से यह विवाद शुरू हुआ है। इससे अधिकारियों की कारगुजारी पर सवाल उठ रहे हैं और दोनों रिपोर्ट की जाँच किए जाने की मांग भी उठ रही है। मामले की जाँच हुई है, फाइल का पुनरीक्षण हुआ है,
उसमें ये पाया गया है, जो अभी हाल में तहसीलदार कंडागार से रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया है कि ये लैंड कभी भी गवर्नमेंट में वेस्ट नहीं हुई है। तो इस संदर्भ में डीसी महोदय ने लिखा है, इसमें जांच की जानी चाहिए। उधर इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी आमने सामने हैं। बीजेपी इस मामले में खुलकर बाबा रामदेव के साथ खड़ी नजर आ रही है। सन्यासी के चोले में बैठकर यहाँ पे विचार करने की सोच रहे हैं तो जिला कांग्रेस कमेटी इसकी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको यहाँ हिमाचल में रहने की रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस के इस निर्णय का भी डटकर विरोध करेगी और बाबा रामदेव को हम सहयोग करेंगे। पतंजलि योगपीठ को उनके तय कार्यक्रम के लिए दिए गए ठोडो मैदान की खस्ता हालत से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। योगपीठ के संयोजक का कहना है कि दोनों ही फैसले सरकारी अधिकारियों के थे, ऐसे में कौन सही है कौन गलत यह साफ होना चाहिए। जहां तक आपने प्रश्न किया कि ये जो लैंड की किस्म चेंज की गई और उसके पश्चात किया गया, ये विषय पतंजलि योग समिति से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ये तो आज भी सरकार के अधिकारियों और प्रशासन ने किया था, उस वक्त भी प्रशासन ने किया था। योगपीठ को दी गई जमीन किस आधार पर दी गई और किस आधार पर इसकी लीज रद्द की गई, इसका फैसला रिपोर्ट की जांच के बाद ही हो सकेगा। इसके साथ ही खुलासा उन नामों का भी होगा जो इस पूरे विवाद में शामिल होंगे। कीर्ति कौशल, जी हिमाचल, सोलन। आपको एक बार फिर बता दें कि चंडीगढ़ के बाद जब सोलन पहुंचे बाबा रामदेव तो उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हल्की फुल्की झड़प भी हुई। ये तस्वीरें सोलन पहुंचने की है जहां पर बाबा रामदेव के समर्थकों ने उनको ओपन जीप में बिठाकर सोलन लाए और वहां पर उनका स्वागत किया गया, लेकिन इस बीच उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हल्की झड़प की भी खबर है। बाबा ने कहा कि जनता का पैसा साधु पुल में लगाया गया है पर केंद्र सरकार नहीं चाहती कि आम जनता का भला हो। इसे एक बात तो साफ है, केंद्र सरकार यानी कांग्रेस और बाबा रामदेव के बीच सीधी जुबानी जंग तेज हो रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटते हैं। जमीन हमारी नई जमीन किसी व्यक्ति की और जो वहां पैसा लगा है करीब 10 करोड़ रुपए, कितना 10 करोड़ लगा करके दिखाएगा सोने खाने की योगपीठ बना करके। वो तो योग आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने पर तुली है, क्योंकि शादी तो हो गई हिंदुस्तान में लेकिन निष्ठा अभी पूरी नहीं जमी है अपने रखी। तो योग आयुर्वेद और साधु संतों का तिरस्कार ना करते। बहु बेटियां घर में आती हैं तो पहले उनको उस देश घर की परिवार की तहजीब सिखाते हैं। आज तक ना सीखी हो तो आज भी हम कहेंगे मैया इस देश की तहजीब सीखो, योग आयुर्वेद का साधु संतों का सम्मान करो। 5 दिन पहले यहाँ के कुछ सिरफिरे नेता बयान देते हैं कि बाबा रामदेव हिमाचल प्रदेश में नहीं घुस सकते। हमने कहा हिमाचल प्रदेश नहीं, हम तो हिमाचल के लोगों को दिनों तक घुसे हुए। हिमाचल में मेरा सबसे पहला शिविर हुआ हमीरपुर में और वो शिविर किसने कराया? वो शिविर कराया आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह साहब। अब ये रामकृष्ण क्या है भाई? वीरभद्र सिंह जी ने अभी भी इतनी भद्रता तो है कि उन्होंने साधु पुल के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं। इनको पेट में क्यों दर्द है? और पेट में दर्द है तो कपाल भाती करे। साधु पुल में क्या होना चाहिए, हिमाचल में क्या होना चाहिए, ये दिल्ली में बैठे लोग नहीं तय करेंगे। ये जमीन श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण को नहीं दी गई, ये जमीन दी गई पतंजलि योगपीठ को और सारे कायदे कानूनों के अनुसार 100 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के हस्ताक्षर लेने 100 के करीब जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार।